लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, ठीक है, उसके दो क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है। लेकिन अब देखें, ये चीज इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिटरमिनेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड व्हेन कंपनी मेंटेन्स पीरियोडिक इन्वेंट्रीज, ये समझो, ये पेपर हमें बनाना होगा। देखिए, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड रुपीज में है, यहाँ पर समझो आपके पास जो आएगी है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यूनिट्स रेट अमाउंट, ठीक है। हमें लास्ट कॉलम दे दिया है इन्वेंट्री जो आएगी आपके पास, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये पेज बनाएंगे हम समझो हाँ जैसे। हाँ, क्या कह रहे हो? यहाँ पर हम तो मैं और थोड़ा सा देखिए इस पेज में समझो, देखो ये यूनिट्स, ठीक है, इसके वहां पर ये यूनिट्स है, ठीक है, और फिर कॉलम आएगा रेट का और एक हो जाएगा टोटल अमाउंट का, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास, ठीक है, रेट रेट और टोटल अमाउंट, राइट। फिर ऐड टू इट, देखिए ऐड टू इट ओवर ए पीरियड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, देखिए ऐड टू इट तो गुड्स परचेज ड्यूरिंग द पीरियड है, या इसमें हम ऐड कर देंगे तो गुड्स परचेज किया हमने, ठीक है। तो इसको फिर मैं और समझा दूं, ये देखिए देखिए ऐड टू इट गुड्स परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। अब इसमें फिर हमने गुड्स को ऐड किया, देखिए देखिए, फिर यहाँ पर आ जाएगी आपके यहाँ पर, ठीक है, सेम फिर यहाँ पर भी इस तरह आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, राइट, सब ऐड हो जाएगा, रेट भी आ रहा होगा और आपका जो है, ठीक है, इसी तरह ये भी इसी तरह ऐड हो जाएगा ताकि आप में इसको आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर फिर यूनिट्स, देखें यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये यूनिट्स का कॉलम है, और ये फिर आपका टोटल कॉल, जब ये ऐड करोगे देखो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, ठीक है। इसमें यूनिट्स टोटल आ जाएंगे, रेट भी आ जाएगा और अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है, और हर डेट का जो है ना, ये डेट वाइज रिकॉर्ड हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम देखिए, जब ये काम कर लिया तो फिर स्टॉक टेकिंग करनी पड़ती है एट मंथ एंड, ठीक है। स्टॉक टेकिंग से जो हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है ना, टोटल फर्स्ट कॉलम में ये जो देखो यूनिट्स रेट और अमाउंट, फर्स्ट कॉलम के में जो जितने यूनिट्स आ रहे होंगे और फिजिकल स्टॉक टेकिंग जो हम करेंगे उससे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू कर लेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फीफो लीफो एवरेज है, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को जब
अवेलेबल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है, फिजिकल एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन है फिजिकल क्वांटिटी इंटू प्राइस एक्स इंटू प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएगा। और देखो फिजिकल एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूड बाई द रिस्पेक्टिव एनी वन मेथड ऑफ डिफाइंड अबव है फीफो लीफो एवरेज से उसको वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है क्लोजिंग स्टॉक को हमने वैल्यू करना है फीफो से लीफो से या एवरेज से एज गिवन है इन द क्वेश्चन। तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री को जब हमने टोटल अवेलेबल में से माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिगर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से तीनों आइटम में बारी बारी हम करेंगे। तो ये पेज आपने अपने समझना है अच्छी तरह। ठीक है, ओपनिंग लेंगे फिर इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे परचेजेस। ठीक है, परचेजेस जो होगी वो डेट वाइज ऐड हो रही होगी, डेट वाइज, ताकि डेट वाइज हमें रेट भी पता लग रहा हो। ठीक है, फिर टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और फिर इसकी वैल्यूएशन देखेंगे कि ये टोटल अवेलेबल आ जाएगा ओपनिंग के साथ जितनी परचेज किया 14 दफा किया 20 दफा किया, लेकिन डेट वाइज उसको शो करेंगे कि यूनिट्स रेट अमाउंट। ठीक है, तो उसके बाद इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया तो फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ठीक है, इस तरीके से इनडायरेक्टली हम निकाल लेते हैं ये क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, तो ये मैं अभी क्वेश्चन आपको कराता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ये मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, क्वेश्चन 15 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए सॉरी 14, क्वेश्चन 14 पहले करेंगे। ठीक है, और लेकिन डेटा देखो किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये मैं व्हाट्सएप वो भी कर रहा हूँ। ठीक क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, शेयर कर दिया मैंने। ठीक है, सबको शेयर हो रहा है, आपको व्हाट्सएप किया हुआ है। क्वेश्चन जी सर, नंबर 14 देखें, रे फार्मा इज ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है। कंपनी प्रेजेंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड जून 21। ठीक है, तीन यानी क्वार्टर की फिगर दी हुई है 3 महीने की। देखिए ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 1,200 रुपीज 10 पर यूनिट, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, ये देखो दो परचेज हुई है, राइट। देखिए परचेज ड्यूरिंग द पीरियड क्या, देखो मई 12, 2020 3,200 यूनिट एट द रेट ऑफ 13 पर यूनिट। फिर जून है क्योंकि क्वार्टर का है, अप्रैल से चल रहा है, अप्रैल में समझो परचेज नहीं किया, जून 22 को परचेज किया 2,000 और एट द रेट ऑफ कितना रेट इसका फॉर्मूला रेट है इसका ₹17। ठीक है, ₹17। अब सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ये सेल दी हुई, देखो इसमें आप देखोगे ये क्वेश्चन में मैंने सेल भी दी हुई है। ठीक है, हालांकि ये सेल से कोई हम सेल खुद भी निकाल सकते हैं अगर एंडिंग इन्वेंट्री, यहाँ पर देखो सेल दी हुई है तो हमें एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो यूनिट्स कितने हैं। लेकिन नॉर्मली सवाल ऐसे आता है कि एंडिंग इन्वेंट्री दे दिया जाता, यहाँ पर जो आपको सेल दे दिया ना और एंडिंग इन्वेंट्री नहीं दिया, यू कैन इजीली कंप्यूट टोटल अवेलेबल में से सेल माइनस करेंगे तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो फिर उसको वैल्यू करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री को उसी तरीके से। ठीक तो रिज्यूम कंपनी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, तो यहाँ बता दिया इसमें। ठीक है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून एंड एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री भी निकालनी है अंडर द फॉलोइंग मेथड, ये मेथड है जो काम करना है, फीफो पहले फिर लीफो फिर एवरेज। ठीक है, क्वेश्चन में है पहले फीफो फिर लीफो उसके बाद एवरेज। देखो यहाँ पर आप ये देखो यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं दिया सेल दे दिया तो आप एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करके निकाल लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और नॉर्मली आपको सेल की फिगर नहीं होती है एंडिंग इन्वेंट्री देते हैं, लेकिन वो दूसरा सवाल इसी तरह दिया हुआ है वो भी कराएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखो तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को अब हम सॉल्व
कॉल कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, अभी कैसे सॉल्व होगा आपको वही जो मैंने टेबल बताई थी, ठीक है अभी पढ़ा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 अब तो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री, देखो 1/4, देखो आप क्वेश्चन सामने रखो, ठीक है देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री अप्रैल 1 है, कितनी है यूनिट्स, कितने हैं, देखो डेट भी डालेंगे यहाँ पर है, डेट भी जरूरी है ताकि डेट से पता लगेगा ना कौन सा डेट पुराना नया। यहाँ देखो यूनिट्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स कितने भाई? हाँ सर 3000, नहीं सर 1200। 1200, ठीक है बिल्कुल सही है 1200 राइट। तो ये हमने उसमें रख दिया 1200, और रेट क्या है इसका भाई? टेन सर 10 रुपीज़ पर यूनिट। रुपीज ठीक है, तो डेसिमल में भी हो सकता था और ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। तो ये पहला ओपनिंग लिया देखो राइट। अब सेकंड परचेज, देखो पहली परचेज जो है वो 12th मई को, तो क्वार्टर है ना, अब जितनी दफा पहले फरवरी अप्रैल में इत्तेफाक से परचेज नहीं हुई है, 12th देखो डेट दिया 12th मई, ठीक है। परचेजेस, अब परचेजेस देखिए कितनी है, कितनी है परचेज, चेजेस सर 3200 रुपये। है 3200 और इसका रेट है 13, ठीक है 13, और इसको फिर टोटल अमाउंट आ गया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ये आ गया 41, ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद फिर एक परचेज है, सारी परचेज रिकॉर्ड कर ली, देखिए 2000 एट द रेट ऑफ 17, ठीक है एट द रेट ऑफ 17, जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़े, कम भी हो सकता है बहरहाल, ठीक है। अब देखो अवेलेबल टोटल स्टॉक अवेलेबल, इन सबको जमा कर लेंगे, ठीक है देखिए राइट। लेकिन ये याद रखो ये जो रेट आएगा ना, ये रेट को नहीं जमा कर लेना है, रेट कैसे आ रहा है, ये एवरेज रेट आ रहा है, ये देखिए वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो ये एवरेज रेट आ रहा है, जब एवरेज मेथड करेंगे तो उसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी परचेज होगी सबको बारी बारी जमा करोगे और डेट भी डालोगे ओपनिंग की भी और जो जो परचेज हो रही है, ताकि इससे हमें पता लगेगा कि ये सबसे पुराना है, ये इसके बाद है, ये टोटल अवेलेबल, और फिर क्लोजिंग। अब चूंकि इसमें देखो सेल इन्वेंट्री नहीं दी थी, ठीक है, तो हमने क्या किया सारी सेल को जमा कर लिया यहाँ पर, टोटल सेल यूनिट्स में जो थी 800, 200, 2000 एंड 1200, इन सबका सम जो है कितना हो गया 4000, ठीक है 4000 की सेल हुई। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास सेल में माइनस किया तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। अब ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक सर ये 800 बता दें सर कहाँ से आया? क्या चीज, सर 800 सर ये बता दें सिर्फ सर। 800 जी 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 सर, ये जो सर टोटल सेल्स के अंदर सर।800, जस्ट ए मिनट, थ्री थाउजेंड 2000 एंड 1200, ठीक है। देखो ये 800 भी देखो सेल नहीं दी हुई है, सबसे पहले देखो सेल क्या दिए, 800 नहीं दिया, अप्रैल 2 की सेल, फिर मई 18 की सेल 2000, और फिर 1200 जो है वो जून की सेल है, इन सबको जमा कर लिया है, 800 नजर आया, ठीक ओके ओके सर, गॉट इट। ठीक है। तो ये है सर, सेल जमा की तो ये हमारे पास आ गई 4000 है। अब इसमें ये क्यों काम कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, ठीक है, इसमें से अवेलेबल में से ये माइनस किया तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और जाहिर है क्लोजिंग स्टॉक को हम कहेंगे 30th जून, ठीक है, इसके बाद तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे ना 22 के बाद, तो ये हम यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 30th जून का और क्वार्टर के एंड का, ठीक है। अब इसको देखो इसको यहाँ तक क्लियर है ये, और इसमें सेल दी हुई थी तो इसको इन्वेंट्री निकाल के अब इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पहले करोगे लीफो में, नहीं सॉरी आपका जो है पीरियोडिक में ना, इन्वेंट्री की वैल्यू हमेशा पहले की जाती है, क्योंकि समझो कि प्रैक्टिकली जो है हम तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पर देखो एंडिंग इन्वेंट्री की हमने वैल्यू करनी है, और
2400 इन्वेंट्री बची है, और फीफो से वैल्यू कर रहे हैं, फीफो से, राइट, फीफो से वैल्यू हो रही है। अब आप देखें, जब फीफो से वैल्यू कर रहे हैं इसको, तो जब फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आइटम्स परचेज फर्स्ट विल बी सोल्ड फर्स्ट, राइट, आइटम्स परचेज फर्स्ट, फीफो मेथड है ना, फीफो से कर रहे हैं, आइटम्स परचेज फर्स्ट विल बी सोल्ड फर्स्ट, ठीक है। तो अब एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास बचेगी वो पुरानी बचेगी या नई बचेगी, बताओ, एंडिंग इन्वेंट्री नहीं बचेगी। नई बचेगी ना। इस वजह से ये जो एंडिंग इन्वेंट्री को जब हम वैल्यू करेंगे ना, पीरियोडिक के अंदर हम एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कर रहे हैं ना, तो एंडिंग है तो फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे अप्लाई होगा ना। जब हम एंडिंग इन्वेंट्री की कर रहे हैं फीफो में, तो जो नया माल बचा है वो बचा हुआ है, तो 2400 बचा है, इसका मतलब सबसे पहले हम ये लेंगे सबसे नया माल 2000, मैक्सिमम 2400 में से 2000 तो ये बचा होगा, ठीक है, 2000 इसको ले लिया 2000, ठीक है, देखिए 2000, ठीक है, समझ सर यहाँ हम में आ रही, 2320 से भी माइनस कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो, सर मैं कह रहा था कि सर फीफो फर्स्ट वन इन और फर्स्ट सर आउट, मतलब सर ये था ना कि सर ये जो स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री जो रह गया था सर, अब सर ये हाँ हम ये फर्स्ट वाले से भी तो माइनस कर सकते हैं, 3200 में से भी तो माइनस कर सकते हैं। एक मिनट, 3200 में नहीं, 3200 में से नहीं, देखो जो जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, जी सर इसका मतलब आइटम्स परचेज फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट, ये जो सेल हो रही है ना आपकी, जब सेल हो रही होगी तो सबसे पहले कंपनी ये बेचेगी, सबसे पुराना फर्स्ट जी सर इन फर्स्ट आउट, फिर उसके बाद जो इसमें जब ये खत्म हो जाएगा लॉट, फिर ये यूज किया होगा, है, उसके बाद फिर ये यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेचा है माल, तो कितना माल बेचा है, 4000, 4000 टोटल, 4000 कैसे बिका होगा कि देखो ये माल बिक गया, इसका मतलब 1200 और 3200, ये 4000 हो गया, ठीक है, ये माल का इसका मतलब ये टच ही नहीं किया, ठीक है। तो अब आपके पास जो स्टॉक बच रहा है वो 2400, तो आप इसको वैल्यू कैसे करेंगे, फीफो मेथड, अगर फीफो मेथड है, नया माल हमारे पास बचा है कितना 2400 में, तो ज्यादा से ज्यादा ये पूरे का पूरा बचा, नहीं, क्योंकि 2400 बचा है ना, ये पूरा बचा, इसको इसका रेट है 1700, अब बाकी कितना रह गया, सिर्फ 400 रह गया, 400 हमने इसमें से लिया, तो 3200 में से 400, राइट, 3200 में से 400 की क्वांटिटी डी, ठीक है, और उसका रेट है 13 रुपए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 13, तो ये 2400 आपका स्टॉक हो गया पूरा, और इसको वैल्यू दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ठीक है, 2000 × 17 ये आ गया, और 4000 × 13 इतना आ गया, अब इसको वैल्यू कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया हमारे पास, अब देखिए 3200, ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर ठीक है, तो ये क्लोजिंग हो गया, अब आप देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा, देखो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अब टोटल अवेलेबल कितना, 87000 है, टोटल अवेलेबल तो 87000, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगी, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर हमने कैसे निकाली, अब इसमें से हमने देखो 87000, ये देखो 87000 −39200, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो यहाँ शो भी कर दिया आपको ब्रैकेट में, इजिकल टू 48400, 87,6000 में से 39,200 माइनस किया है एंडिंग इन्वेंट्री को, ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, क्लियर। जी सर।
सबको क्लियर हुआ? ठीक जी सर। है, तो अब आ जाइए आप। देखिए ठीक है, अब लीफो मेथड पे आ जाओ। है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। है लीफो मेथड क्या कह रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए लीफो मेथड में लास्ट इन फर्स्ट आउट, आइटम्स परचेज लास्ट आर सोल्ड फर्स्ट, यानी कि नया माल 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 पहले बेच रहा है, नया माल हम पहले बेच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एंडिंग इन्वेंट्री जो होगी वो पुरानी होगी। एंडिंग इन्वेंट्री जो 2400 बची है ना, सबसे पुरानी, उसके बाद फिर बचेगी उससे पुरानी, पहले सबसे पुरानी लेंगे। टोटल इन्वेंट्री कितनी है? 2400। ठीक है, इन्वेंट्री की वैल्यू कर रहे हैं ना, लाइक आइटम्स परचेज लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आर सोल्ड फर्स्ट। ठीक है, तो अब आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री जो बचेगी वो पुरानी बचेगी, राइट? एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास पुरानी बचेगी, तो पुरानी इन्वेंट्री का मतलब है कि जो हमारे पास इन्वेंट्री बच रही है 2400, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 1200 है ये बचा है, उसके बाद जो बचेगा उसमें से लेंगे। तो देखिए किस तरह वैल्यू कर रहे हैं, देखिए ये देखिए इसको वैल्यू करना है, 2400 बनाना है। सबसे पहले ये स्टॉक लिया सबसे पुराना, क्योंकि लीफो मेथड है ना, और इन्वेंट्री की वैल्यू कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नहीं पहले बना रहे। 1200 × 10, अब नेक्स्ट लॉट लिया, अभी तो बाकी है, हमें पता है कि अभी तो 1400 और है, 1400 सारा इसमें से ले सकते हैं, नहीं क्योंकि इसका ये तो ज्यादा परचेज किए, तो यहाँ से 1400 लिया। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे ना, 1400 लिया और इसका रेट है 13 रुपए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई हमारे पास। ठीक है, 27,000। तो इसकी वैल्यू कितनी डाउन हो गई, क्योंकि तो रेट बढ़ा है ना, यहाँ पर 17 एकदम हो गया, 10 था ये 17 पे चला। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिर उसी तरीके से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टोटल टोटल जो है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड, देखो 87,000 अवेलेबल माइनस 27,600, ये माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आ गई। देखिए क्लियर, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आया? 87,000, 87,600 माइनस इन्वेंट्री, इस मेथड में 27,600, ये देखो 27,600। ठीक है, अवेलेबल में से माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आ गई। क्लियर? जी सर। ठीक है, और स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया? हाँ जी सर। भाई, जी सर। अच्छा आप देखो एवरेज मेथड, देखो एवरेज मेथड कितनी आसानी से हो जाएगा। आप देखो एवरेज मेथड में क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखो एक साथ कर लेंगे। देखो 2400 बची है, यहाँ 2400 लिया, ठीक है 2400, और इस पे एवरेज रेट अप्लाई कर देंगे। एवरेज रेट क्या है, कितना एवरेज रेट? हाँ भाई, थर्टीन कितना है पॉइंट एवरेज सिक्स रेट? नाइन 13.69 नहीं, ये आया कैसे? ये तो वेटेड एवरेज है। देखो टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो ये रेट है, ये रेट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे जरब दे दिया, बस इसके ऊपर राउंड कर दो, अगर डेसिमल में आ रहा है तो अप्रोप्रिएट राउंड ऑफ कर दो। क्लोजिंग स्टॉक फिर वही, क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया? टोटल उसमें से माइनस कर दिया, राइट? कितना टोटल अवेलेबल? 87,600 माइनस 32,000, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आ गई, इस तरह की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया? ठीक यस सर। है, लेकिन सवाल में यह है कि आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालनी है और इन्वेंट्री भी निकालनी है, और साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट भी बताना है। ग्रॉस प्रॉफिट हर मेथड में बताना है आपने,
ठीक है, ये अभी हमने नहीं किया, आपने मैंने कहा पहले इतना समझ लो, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में भी बताना, तीनों में, फीफो में भी, लीफो में भी और एवरेज में, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ। तो बहुत आसान है, इन्वेंट्री में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ना इसका। देखो फीफो मेथड में जब हम करेंगे, देखिए फीफो मेथड में पहले पहले फीफो में करते हैं, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ही मैं देखिए अभी कंटिन्यू है, देखो क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, ये दो फिगर तो आ गई, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट अभी नहीं निकाला फीफो में, फिर लीफो में भी निकालेंगे। क्या करोगे, सेल पहले निकाल लेंगे, सेल वैल्यू, टोटल सेल हमारी कितनी हुई, टोटल देखो इसी के नीचे लिख दिया, टोटल सेल कैसे आएगी, कैसे आएगी सेल, देखो सेल जो है वो आपकी जो है वो तीन दफा सेल हुई है और उनका रेट डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है रेट, राइट, तो सेल हम हमें तो डिफरेंट रेट पे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है, देखो सेल हुई है आपकी, एट हंड्रेड यूनिट्स, ठीक है, 800 यूनिट्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, है 800 सेल किया है 22 रुपए से, देखो 22 है इसका रेट है, 22 22 प्लस प्लस फिर सेल हुई है 2000 2000 क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन इसका रेट है, इसका रेट है 24 24 रुपए, फिर सेल हुई है 1200 1200, और इसका रेट है 25 रुपए, का रेट है 25 रुपए, ठीक है, ये सब मिला के आपके पास क्या आ गया, देखिए ठीक है सेल निकालेंगे और फिर इसमें देखिए अब देखिए देखिए क्या सेल आ गई, देखो 800 × 22, देखो क्वेश्चन में देख रहे हो ना, 800 एट द रेट ऑफ 22, फिर सेल हुई है 2000 एट द रेट ऑफ 24 और 1200 एट द रेट ऑफ 25, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते, 800 है इंटू, देखो 800 × 22 प्लस प्लस 200 × 24 × 24 और प्लस, ठीक है प्लस फिर सेल हुई है 1800 और इंटू इंटू 25 रुपये, ये आ गई 95,000 रुपये, क्लियर हो गई, ठीक है, ये आ गई आपकी टोटल सेल, राइट, टोटल सेल कैसे ली, 800, देखो ये ब्रैकेट में शो भी कर रहे हैं, 800 यूनिट्स × 22 रुपीज, रेट है 22, फिर 2000 यूनिट्स, फिर @ 24 और 1200 @ 25, इसको सब कुछ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ठीक है, 800 × 22 प्लस 2000 × 24 और प्लस 1200 × 25, हाँ जी, देखो सेल की फिगर आ गई, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकाल चुके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो देखिए लेस कर दिया इसमें से, देखिए लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, अभी निकालिए,
है सबब, ये लिख दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज अबव, दैट इज 48,400, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या आ गया, देखो सेल 25 माइनस सेल माइनस ये आ गई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कौन से मेथड में, फीफो में। देखो क्लोजिंग स्टॉक भी निकल आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकल आई, और आपकी ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है, अंडर दिस मेथड। अब सेकंड मेथड ले लो, कम टू द सेकंड मेथड, लीफो। लीफो में भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट देखना है, और ये भी देखना है कि क्यों ज्यादा हो रहा है। आपको बगैर सॉल्व किए पता लग जाना चाहिए किसमें ज्यादा आएगा किसमें कम आएगा, ठीक है। ये इस तरह के सवालात भी आते हैं एमसीक्यूज में। अब डिफो कर रहे हैं भाई, सेल है, सेल भी हो गई, क्लोजिंग भी है, सेल भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हो गया, ठीक। और अब हमारी वही सेल है, यहाँ सेल तो वही रहेगी है, यही सेल कर लिया, सेल कितनी है, सेल टोटल सेल है 40,95,600, ठीक है। और इसमें डिफो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी 60,000 है, देखिए 60,000 यहाँ लिख दिया कॉस्ट सेल, इसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। 60,000 तो आपके पास फिर वही आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 95 में से 95 में से माइनस कर दिया, ठीक है, 95,000 F26 माइनस F27, हाँ ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है। अब एवरेज मेथड में, अब देखो एवरेज मेथड में फिर सेल सेम, ठीक है, सेल आपकी वही 95,600, ठीक है, और लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां पर क्या है, 60,000 नहीं, एवरेज में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो ये है 54,740 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी कितनी है, 54,744, ये ठीक है, क्या आ गया, फिर ये निकालो, देखे है, सेल सेम फिगर, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर है 54,744, इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास यहाँ पर भी आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक
कितना है? हाँ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब ग्रॉस प्रॉफिट देखें, ग्रॉस प्रॉफिट दिस मुझे 95,600 में से इसको माइनस कर दिया, यानी कि देखिए ठीक है, सबको क्लियर हो गया सवाल ये? सर, ये हाँ एवरेज, सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर एवरेज मेथड में सर हम जैसे कि सर ये आपने लिए सर 8 मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई सर 22 प्लस फिर 2000, सर ये करने के बाद सर डिवाइड नहीं किए जाएंगे सर यूनिट्स पर? डिवाइड यार, जी सर। ये तो सेल निकाल रहे हैं ना, देखो ये जो सेल हो रही है 800 यूनिट्स 22 रुपए के हिसाब से, फिर 2000 यूनिट सेल हो रहे हैं 24 के हिसाब से, और 2200 यूनिट्स हो रहे हैं 25 के हिसाब से, ठीक है इसको सेल की वैल्यू निकाल ली। अब इस सेल में से एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दिया, ऊपर निकालिए सर करो ये तो मुझे फाइनल समझ मेथड। में आया सर। वैसे परचेज के सर केस में क्या सर हम यूनिट्स के ऊपर डिवाइड करते हैं सर, या तो फिर सिंपल एवरेज निकालते हैं सर ऐसे ही यूनिट से मल्टीप्लाई करके? सर सिंपल एवरेज नहीं, ये निकल रहा है वेटेड एवरेज ना, सर ये तो वेटेड एवरेज में सर फिर यूनिट्स के ऊपर डिवाइड नहीं होगा? यूनिट्स को डिवाइड होगा, यूनिट्स को सेल, जी सर। वो तो रेट हमने निकाला था तो ये निकाल लिया था ना, यहाँ तो यूनिट से थोड़ी डिवाइड होगा, ये तो इंडिविजुअली सेल हो रही है ना, ये तो वहां पर जब आप एवरेज एवरेज रेट ले रहे थे ना इन्वेंट्री का, तो फिर जी उसको सर। यूनिट से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब जो अगर हम सेल यहाँ पर अगर आप टोटल सेल्स वैल्यू को डिवाइड कर दो यूनिट से, तो एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, डिफरेंट थोड़ी होगा। ओके सर। इसको एवरेज रेट से निकालने की क्या जरूरत है, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स तो एवरेज रेट आएगा, उसको फिर टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वही फिगर आएगी ना, फर्क थोड़ी होगा। लेकिन तरीका यही होता है कि जो सेल हो रही है डेट वाइज उसको मल्टीप्लाई किया रेट से और तो वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसका एवरेज रेट नहीं लेंगे, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर जो सेल हो रही है वो डिफरेंट रेट्स के ऊपर हो रही है ना, हमने डिफरेंट रेट्स पे जो एक्चुअल एक्चुअल जो सेल है वो लेंगे ना, जो एक्चुअल सेल हो रही है, हम इन्वेंट्री की थोड़ी वैल्यू कर रहे हैं। इन्वेंट्री में तो ये बेस ये है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के अंदर कि भाई आपने फीफो अप्लाई कर रहे हो, लीफो अप्लाई कर रहे हो, या एवरेज मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी वजह से वो रेट आपका थर्ड एवरेज में वो वेटेड एवरेज ले लेते, जी सर। इसलिए लेते हैं ना वहां पर सर सेल पे थोड़ी वो चीज अप्लाई होगी। अब क्लियर हुई सर बात? जी सर ये क्लियर हो गई सर। कन्फ्यूजन ये है सर, सर मैं राइज की बुक से पढ़ता हूँ सर, वहाँ सर इन्वेंट्री किसी और सर टेक्निक से वो सर हल करके दिखाते हैं सर। वो कौन सी? सेल सेल परचेजेस वगैरह सर एक ही डब्बे में डाल के सर, वो सर एक क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा सर ग्रुप में, आप देख लीजिएगा सर, उस मेथड क्या से वो क्या करवाते क्वेश्चन हैं। बोले, क्या क्वेश्चन है? हाँ सर क्वेश्चन यही था कि सर इस मेथड से सर आप पढ़ा रहे हैं ना सर, ये जो क्वेश्चन हल करवा रहे हैं सर, समझ में ये तो जो आ मेथड रहा है? है मेथड यही है और कोई मेथड नहीं है इसका, है सेल के लिए थोड़ी एवरेज रेट लोगे, सेल हो रही है ना तो सेल तो आपकी एक्चुअल पे होगा। देखो वैल्यू जब हम एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यूएशन कर रहे हैं, जैसे परपीचुअल में तो हम देखते हैं कि भाई फीफो मेथड से जो इश्यूएंस पे वो अप्लाई हो रहा होता है फीफो लिफो एवरेज, तो लेकिन सेल तो जो रेट पे होगी वही लेंगे ना, वो कैसे डिफरेंट कर सकते हो? एक कस्टमर को हम बेच रहे हैं 22 रुपए में, दूसरे को बेच रहे हैं 24 रुपए में, और इनका हम एवरेज कैसे ले लेंगे? तो सारा से वो तो सारा वही आपकी अकाउंटिंग ही गलत हो गई है, जिस रेट में बेचोगे वही सर रेट अप्लाई करोगे ना, वहां थोड़ी एवरेज करोगे आप। भाई इन्वेंट्री तो इंटरनल है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन आप फीफो से करो एवरेज से करो या फीफो लीफो से करो, ये क्या सर। ठीक हेलो ठीक है सर। ओके हेलो सर, है? एक क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन? ठीक है अच्छा ये देखें, ये तीनों मेथड कर दिए लेकिन साथ में
आपको फिर ये दिया हुआ है जर्नल एंट्री भी पास करनी है अभी दूसरा सवाल भी करना है वो डिफरेंट तरीके से है। देखो जर्नल एंट्री पास करनी है, देखो याद रखो जब जर्नल एंट्री पास करनी है सेल की भी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी पूरे। देखो जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं सेल फॉर द क्वार्टर, पूरे क्वार्टर की जर्नल एंट्री पास हो रही है, ये भी देखना है ना कि रिक्वायरमेंट क्या है। क्वार्टर की एक साथ जर्नल एंट्री पास हो रही है तो जो सेल है, देखो सेल जो है आपकी अब हर क्वार्टर में सेल की फिगर तो सेम रहेगी, सॉरी चाहे फीफो मेथड हो या लीफो मेथड हो या एवरेज सेल तो नहीं चेंज हो जाएगी ना, लेकिन आपने जो सेल के साथ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड होगी ना वो डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट होगी। जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द क्वार्टर, ये भी फीफो लीफो एवरेज से। तो जर्नल एंट्री में जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक तो सेल की एंट्री करेंगे, सेल की एंट्री क्या होगी? एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर, हाँ बोलो। हाँ भाई बोलो। सर शायद इनके पास नेट प्रॉब्लम है सर। है सेल्स क्या कह रहे क्रेडिट हो? होगी सर, सेल क्रेडिट सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स, देखो अभी हम ये जरा उसको मुकम्मल करें कि जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है जनरल एंट्री। देखो मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूँ या इसी पेज पे कर ले। देखो देखो जनरल एंट्री, अब बताओ क्या होगी जनरल एंट्री बताओ। सेल को रिकॉर्ड करेंगे, सपोज सेल हो रही है क्रेडिट पे, है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। देखो ये जनरल एंट्री पास कर रहे हैं पहले कि हम फीफो में हैं, देखो फीफो में, फीफो फीफो मेथड। देखिए फीफो मेथड में देखो जनरल एंट्री है, ये जो है सबसे पहले सेल तो वही हुई आपकी है जिससे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ठीक है कितना हो गया अगर डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल कितनी है? देखें टोटल सेल, टोटल सेल है 95,600, ठीक है सेल और सेल सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट 95,600, एक तो ये हो गई है। और दूसरी एंट्री क्या होगी? अब उसकी एंट्री करनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बताओ क्या एंट्री करेंगे? हाँ मिस्टर बताएं। फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई, ठीक है हाँ सेकेंड होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो फीफो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आ रहा है, और देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फीफो में आ रहा है 48,000, ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है 48,000, ठीक है तो 48,000 अब क्या एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की? सेकेंड एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, डेबिट कितने से? ये देखिए 40 फर्स्ट मेथड में कितना निकला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 48,400 48,000, 48,400। अब ये बता, ये आपसे अब इम्तिहान है आपका कि क्रेडिट किसको करेंगे बताओ, क्रेडिट किसको होगा? इन्वेंटरी को सर, है इन्वेंटरी को जी सर, सेल क्रेडिट्स हो जाएंगे सर। सेल कहाँ से क्रेडिट हो जाएगी यार, सेल तो हो गई क्रेडिट है, रेवेन्यू को तो ये रिकॉर्ड किया ना, अब यहाँ सेल थोड़ी क्रेडिट हो जाएगी है, ये तो ये हो गई ना, यहाँ पर देखो रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, और यहाँ नरेशन भी दे दिया है टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट, है ऑन क्रेडिट हमने अज्यूम कर लिया जैसे क्रेडिट, ठीक है जी।
अब हमें ये हो गई, फिर अब यहाँ पर दूसरी एंट्री हुई हमारी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा? इन्वेंटरी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में तो देखो, ये जो इन्वेंट्री निकाली है ये तो हमने आपकी जब क्रेडिट जो डेबिट हम देखो वहां पर जब हम करेंगे ना परपीचल में, परपीचल सिस्टम में डेबिट किस में हो रहा है? इन्वेंट्री में। याद रखो जरा, ये पॉइंट है टर्निंग, वहां पर इन्वेंट्री में डेबिट हो रहा है, यहाँ पर इन्वेंट्री में डेबिट ही नहीं कर रहे, यहाँ तो परचेज में डेबिट कर रहे। परपीचल में जब हम एंट्री करेंगे इसकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, जबकि यहाँ पर एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट परचेजेस क्रेडिट। परचेजेस को अब परचेज अकाउंट कम को हमने सेल कर दिया, ठीक है, परचेजेस क्रेडिट, ये फर्क है बस। वहां पर इन्वेंट्री करेंगे, ठीक है, समझ आई? अगर परपीचुअल सिस्टम है तो जी सर, आप परचेजेस को देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला गया, वहां पर इन्वेंट्री को हम डेबिट करते हैं क्योंकि इन्वेंट्री कम हो रही होती है, यहाँ परचेजेस कम हो रही थी और परचेजेस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चार्ज कर दिया, ठीक है, समझ आ गई? जी सर, हाँ, परपीचल होगा तो वहां पर इन्वेंट्री को डेबिट करोगे। अच्छा, अब बाकी जो दो है ये मैंने फीफो से तो कर दिया, अब बाकी जो मेथड है वो आपके लिए छोड़ दिया मैंने कि आपने जब लीफो करेंगे तो ये एंट्री सेम होगी, ये एंट्री सेम होगी, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो निकाली है, यहाँ लिखेंगे तो रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद नहीं, लेकिन बाकी जो है फिर फीफो, अब आपने ये लीफो आपके लिए छोड़ दिया मैंने, लीफो और एवरेज में, ठीक है, लीफो और फिर एवरेज, एवरेज मेथड, ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है, लीफो में ये मैंने कर दिया लीफो, और आप लोग जो है यहाँ पर एवरेज लीफो में करोगे और एवरेज में करोगे, ठीक है, एवरेज मेथड में मैंने लाइन भी इंसर्ट कर दी। समझ गए पूरा सवाल? जी सर, जी हाँ सर, समझ सर, बस था ये, ठीक है, और ये फिर लीफो करोगे है, उसके बाद ये मैंने इसमें ये देखो इसमें गैप दे दिया यहाँ पर, ठीक है, और फिर ये एवरेज करोगे, उसमें भी सेल रिकॉर्ड करोगे और कॉस्ट, समझो जो अजम्पशन है ना इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड कर रहे हो ना उसको, ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपने ये करना है एवरेज से करना, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं जी का, वेटेड एवरेज का, क्या नाम पर पीरियोडिक का मेथड, ठीक है, ये आप आई होप कि सबको क्लियर हो गया, ठीक है, नाउ कम अब आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन, अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन आपको किस शक्ल में दिया जा रहा है, ये इस तरह आते हैं सवाल, ये देखो इसको मैं वो भी करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ज्यादातर प्रैक्टिकली ऐसे ही हो रहा होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, जे इंजीनियरिंग कंपनी यूजेज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर इट्स पी एच फोर ऑयल फिल्टर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर,
ओपनिंग बैलेंस दिसंबर का है 900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50। परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ, देखिए 5 मार्च को परचेज हुई है 120 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 53। फिर 10th मार्च, 5th दिसंबर को परचेज हुई है 120 एट द रेट ऑफ 53। फिर परचेज हुई है आपकी दिसंबर 10 और वो है 2300 एट द रेट ऑफ 57। और फिर 400 परचेज किया है वो एट द रेट ऑफ परचेज किया है, देखें 60। और लास्ट वाला है 62 पे ये परचेज कर रहे हैं, ठीक है। 28 को परचेज किया है 190 एट द रेट ऑफ 62, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 65 है थ्रू आउट द मंथ, ये सेलिंग प्राइस थी। ए फिजिकल काउंटिंग ऑन दिसंबर 31st इंडिकेट्स 200 यूनिट्स इन्वेंटरी ऑन हैंड। तो यहाँ पर ज्यादातर परपेचुअल पीरियोडिक सिस्टम में यही होता है, ठीक है, क्योंकि हम वहां पर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते ना, वहां तो डे टू डे रिकॉर्ड हो रहा था, सेल के टाइम ही रिकॉर्ड हो जाता। अब फिजिकल स्टॉक टेकिंग की मंथ एंड पे, तो देखा 200 यूनिट्स बचे, राइट। अब हमने इसको वैल्यू करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द मंथ एंडेड। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द मंथ है, ये क्वार्टर नहीं है, फॉर द मंथ एंडेड दिसंबर 31st, दिसंबर 31st 2020, ठीक है। एंड एंडिंग इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31st एंड एंडिंग इन्वेंट्री ऑन दिसंबर, ये मैं करेक्ट कर रहा हूँ इसमें लिखने में, दिसंबर 31st, ठीक है। आप देखिए ठीक है, और फिर जनरल एंट्री पास करनी है अंडर द फॉलोइंग मेथड, सही है। अब देखो इसको मेथड को, अब यहां देखिए एंडिंग इन्वेंट्री फिजिकल स्टॉक टेकिंग है, पर फ्यूचर में ज्यादातर यही होता है, पर फिजिकल हम क्योंकि उसकी लेजर तो मेंटेन ही नहीं कर रहे ना, जो परचेज कर रहे हैं परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, इसीलिए तो वहां क्रेडिट किया ना परचेजेस को। अब देखिए अब हमने इसकी वैल्यू करनी है, ठीक है, अंदर दीज थ्री मेथड्स फीफो लीफो एवरेज, ठीक है। अब आज वो क्वेश्चन पे इसके सोल्यूशन पे देखें, देखिए कंप्यूटर सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 15, देखो डेट वाइज इसकी एंट्री की सारी परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 90, देखें शेयर कर दो इसको, शेयर हो रहा है ये सवाल सॉल्यूशन शेयर हो रहा है जी, हो रहा है। देखिए देखिए क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है 90, देखो 90 50 400, ठीक है 4500 मल्टी, फिर देखो फिर परचेज हुई है 5 दिसंबर को परचेज हुई है 120, देखो 120 एट द रेट ऑफ 53। फिर 10th दिसंबर को 300 57, ठीक है। फिर परचेज हुई है, सारी परचेज रिकॉर्ड कर दी डेट वाइज 20th 460 के हिसाब से। फिर लास्ट परचेज है 90 और 62 के हिसाब से, ये रेट 62 है। अब इसको सबको जमा कर लिया मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वैल्यू आ गई ये 63 73, और ये क्वांटिटी इतनी आ गई, और ये एवरेज रेट भी निकाल दिया, इसको वैल्यू को वेटेड एवरेज रेट आ गया, ताकि वहाँ काम आएगा।
अब क्लोजिंग स्टॉक इसलिए देखो यहाँ गिवन है, वहां पर हमने सेल में से माइनस करके निकाला, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन है फिजिकली ज्यादातर, लेकिन सवाल दोनों तरीके से दिए जा सकते हैं, हमने दोनों तरीके से आपको दे दिया। ठीक है, अब फीफो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री की वैल्यू करना है 200 की। ठीक है, 200 की वैल्यू करनी है हमें। ठीक है, आप देखिए 200 की जब वैल्यू करेंगे तो कैसे करेंगे, फीफो मेथड है, बताओ फीफो मेथड में पहले क्वांटिटी कौन सी लेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्लोजिंग यस सर, स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं, 190 190 लेंगे सर, कौन सा आएगा पहले, 190 सर, है 190 आएगा ना 190, है 190 ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास लेटेस्ट बचा हुआ है, तो 200 की वैल्यू, यानी कि ये सबसे नया है 190, इसका रेट है 62। ठीक है, इसका रेट है 62, राइट, ये स्टॉक हमारे पास, इसका मतलब कंप्लीटली अजम्पशन है कि ये बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आपको 11,780, अब सिर्फ 10 की क्वांटिटी बची है, ओनली 10 हमें चाहिए, वो इसके इसके बाद वाला ले लेंगे 10, उसका रेट है 60 है उसका रेट। ठीक है, उसका रेट है 60, तो आपने उसका रेट 60 ले लिया। ठीक है, तो 10 190 और 10 100 200 हो गए, और उसको वैल्यू कर दिया, तो अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई कितनी, देखें ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई 12,380। ठीक है, अंडर फीफो मेथड है, अंडर फीफो मेथड, अब आप देखें क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाली जाएगी भाई, है कैसे लेंगे, टोटल सर, कॉस्ट अवेलेबल टोटल फॉर सेल में से माइनस करेंगे। अवेलेबल, इसीलिए ये निकाली ना, समरी बनाइए, टोटल अवेलेबल और ये क्लोजिंग बचा है, इसमें से माइनस करोगे, देखो यहाँ फिगर भी दे दिया 63,740 माइनस 12, 12 की फिगर यहाँ से पिक की है, और 67 की फिगर, तो 63 की फिगर यहाँ से ले रहे हैं, इसको इसमें से माइनस किया, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आ गई। ठीक है, ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर, राइट, अब सेल है, देखो सेल की फिगर देखें, यहाँ पर जो सेल है ना हमारी, यहाँ पर सेम आपकी जो है वो सेम प्राइस है, देखो सेम प्राइस है, कितने पे बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस है 65 है, सेलिंग प्राइस है 65। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेल हमारी कितनी है, देखें देखिए देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आ गई, अब सेल की फिगर कैसे निकालोगे, पहले तो सेल की क्वांटिटी भी तो निकालो ना, क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, हमारी टोटल सेल कितनी है, सेल 900 कितनी है, कैसे निकालोगे सेल, 1100 में से सर माइनस कर दूंगा ये भाई क्लोजिंग सर। सो जो टोटल अवेलेबल है उसमें से स्टॉक को माइनस कर दो, है सेल की फिगर आएगी आपकी, देखो तो टोटल आपके पास जो यूनिट्स हैं 11,000, देखो 11,000 समझ रहे हो ना, 11,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि 200 है। ठीक है, 200 यूनिट्स हैं, और ये 1100 की हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है, ये हमारे पास सेल की फिगर भी आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये तो सेम रहेगी सब में ही, तो क्वांटिटी वाइज। ठीक है, तो कितनी सेल है फिगर, ये क्लोजिंग स्टॉक हमने वैल्यू कर लिया, और सेल की फिगर है आपकी 900 सर, 900, और 900 पे क्या रेट लगाया है, 65 क्योंकि इसमें थ्रू आउट एक ही रेट है ना, कितना रेट है,
सर इस पे रेट वही लगाएंगे जो सर क्वेश्चन में दिया गया है, या फिर सर ये लेटेस्ट रेट लगाएंगे 57.95 सर ये लगाएंगे? सेकंड, क्या कह रहे हो? जस्ट जस्ट ए मिनट, एक मिनट, क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। सर मैं कह रहा था कि सर अब यहाँ पे रेट सर ये अप्लाई करेंगे 57 वाला अप्लाई करेंगे, या फिर सर क्वेश्चन में 68 65 दिया हुआ है सर वो अप्लाई करेंगे? सेलिंग प्राइस 65 है ना, तो इस जी पूरी सर। क्वांटिटी पे यही रेट अप्लाई हो जाएगा ना। जो ओके सर। क्वांटिटी है हमारी, देखो जो क्वांटिटी है, ये जो सेल हुई है हमारी, नौ कितनी सेल हुई है? 900, ठीक है, 900 पे 65 अप्लाई हो गया है डायरेक्ट, क्योंकि एक ही रेट है ना, तो फिर इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, ठीक है, एक ही रेट है, इसलिए इसके वहां पर क्योंकि डिफरेंट रेट थे तो ये करना पड़ा, ठीक है, ये आ गई आपको। अब हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या निकाला अभी है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी निकाला है ना, ये देखो कितनी है, 51, ये 51 इसमें से माइनस हो जाएगा, है ना, 51, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका, क्या आया? इसमें से ये माइनस किया, क्या दिस 51 माइनस दिस, क्या है 51 माइनस 51 यानी के 18, और ये आपका आ गया 19, F19, ग्रॉस प्रॉफिट इस केस में, ठीक है, ग्रॉस देखिए क्या करेंगे लीफो में, फिर आप इन्वेंट्री तो ये हमारे पास 200 है, ठीक है, लीफो मेथड में क्या बताओ कौन सी लेंगे पहले, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, आइटम्स परचेज लास्ट और सोल्ड फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, अब 90 सर लेंगे। हाँ क्या लेंगे, हाँ 90 सर। यानी के आपने 190 ले लिया आखिर में जो है आइटम, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, देखो लीफो मेथड है, यहाँ पर हमने फीफो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब यहाँ पर है कि आइटम्स परचेज लास्ट और सोल्ड फर्स्ट, दूसरे लफ्जों में क्या हुआ, 90 कहाँ से लोगे, पहला आइटम आएगा 90 है, ये देखो 90, ठीक है, तो ये ले लिया हमने 90 राइट, और इसका रेट है देखो 50 रुपये, 50 रुपये, और फिर बचा क्या 110 बचा, उस सेकंड वाले में से लिया, उसका रेट है 53, ये आ गया, और इसके बाद ये गया इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई, ठीक है, और इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिर उसी तरीके से टोटल अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल जो के है कितना, 50 63 63 और -10, ठीक है, -10 कितना बचा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आ गया 63 63
63,740 - 10,330 ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है 40। आई हैव अ क्वेश्चन सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, हम फीफो मेथड में पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, क्या कह रहे हो? तो इसमें सर हम फीफो मेथड में सबसे पहले फर्स्ट इन 190 की 90 लीफो कर रहे हो ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं सर, मैं फीफो का पूछ रहा हूँ सर, फीफो का पूछ रहा हूँ सॉरी, कि इसमें फर्स्ट दिसंबर की अमाउंट पहले नहीं आएगी, क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट परचेजिंग जो है वो हमारी तो फर्स्ट की होगी ना, फर्स्ट दिसंबर की या 5 दिसंबर की। स्टॉक को वैल्यू कर रहे हो ना, सेल को तो नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थोड़ी निकाल रहे हैं स्टॉक की। देखो जब लीफो कर रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, आइटम्स परचेज लास्ट आर सोल्ड फर्स्ट, यानी कि लेटेस्ट आइटम पहले सेल हो रहे हैं, तो स्टॉक में जो बचेगा तो वो पुराना स्टॉक बचेगा डीफो के अंदर है, स्टॉक पुराना जो तो सबसे पुराना स्टॉक 90 है ना, इसलिए 90 लिया। यहाँ देखो यहाँ पर क्यों नहीं इतराज किया, फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी नया आइटम बेचा तो जो बचा वो जो पुराना आइटम बेचा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, तो जो बचेगा वो होगा, तभी तो देखो ये 200 की वैल्यू की 190 और 10 यहाँ से लिया, यहाँ पर उल्टा हो गया। अब आई क्लियर हुई? जी ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, ये भी देखो ना कि मेथड जो है वो वैल्यू तो आप इन्वेंट्री की कर रहे हो ना इस वक्त यहाँ पर पीरियोडिक के अंदर, तो फिर इन्वेंट्री जो बचेगी वो यहाँ पर लीफो के अंदर जो बचेगी इन्वेंट्री वो आपकी पुरानी बचेगी, फीफो में नई बचेगी, ये फर्क है ना, इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे ना। हाँ अगर हम परपीचल होता तो फिर उस पर वो रेट अप्लाई हो रहा था, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल रही होती वहाँ पहले, यहाँ पर ये इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब आज तो इधर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्लोजिंग स्टॉक आ गया और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गई। ठीक है, हमने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया था ना, अब यहाँ भी तो निकालना है ना, लिफो में भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल सेल कितनी है यहाँ पर? सेल वही सेम फिगर है, सेल तो सेम फिगर होगी ना, 900 की सेल हुई है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, है? सेल की तो फिगर सेम है, ठीक है 58। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ 53 है, तो आप तो क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? अब ये भी इस पे भी गौर करो जरा, ये जरूरी गौर करना है। देखो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम हो गया, देखो यहां पर कितना आ रहा है 4990 जबकि यहां पर है 7140 बगैर कैलकुलेशन के। आपसे ये कहा जाए बगैर कैलकुलेशन के, आपसे ये कहा जाए कि भाई प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग, सपोज है आपसे कहा जाए प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग, देन विच मेथड ग्रॉस प्रॉफिट विल बी द लोवेस्ट, बताओ किसमें होगा? लिफो में है, लिफो में। लिफो में क्यों? अब भाई स्टूडेंट सब बताओ है क्यों होगा सर? क्योंकि इसमें लास्ट इन बंद हो रहा है सर, यहाँ तो आप नजर आ रहा है सर, क्या वजह? सबसे जो एंड वाली परचेज, सबसे जो एंड पे परचेज है वो हम, क्योंकि लिफो में देखो प्राइसिंग जब ये कह दिया, अजम्पशन ये कह दिया है प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग है, जो नॉर्मल ट्रेंड होता है प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग
then which method the gross profit will be the lowest in the LIFO, okay? क्योंकि LIFO जब last in first out हो रहा है, okay? items purchased last are sold first, okay? यानी के latest item को पहले sell कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी price जो है जो सबसे last में purchase कर रहे हैं वो पहले sell कर रहे हैं, तो उसकी price बढ़ रही है, तो हमारी cost of goods sold higher होगी, highest होगी, okay? under these three systems में तो हमारी cost of goods sold जो होगी जब highest होगी तो फिर gross profit lowest हो जाएगा, ठीक है, LIFO method में, और जबकि FIFO method में हमारी gross profit highest होगा क्योंकि cost of goods sold will be the lowest, and whereas in the average method mid value होगी, यानी कि mid value का मतलब कि आपकी gross profit जो होगी है लीफो, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट जो है इन बिटवीन होगा, ठीक है, लीफो से ज्यादा और फीफो से कम, अभी निकाल के देखेंगे, देखें आप ये आएगा, ठीक है, तो यहां तक बोलो, यस सर, क्लियर, ठीक है, एवरेज मेथड, ठीक है, एवरेज मेथड, राइट, कम टू द एवरेज मेथड, हाँ भाई आमिर अली, सब क्लियर हो रहा है, मिस्टर आमिर, जवाब नहीं दे रहे हो, मौजूद हो क्लास में, रिमशा आपको क्लियर है, रिमशा, यस सर, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, थोड़ी आवाज भी आनी चाहिए ना आपकी भी, है, देखिए अब एवरेज मेथड, है, एवरेज मेथड में फिर उसी तरह, ठीक है, आपने एवरेज मेथड में क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है यूनिट्स के अंदर, ठीक है, यूनिट्स में हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री मौजूद है, ठीक है, तो अब आपने देखा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 200 है, और रेट कहाँ से लिया, ये देखो समरी जो पिक किया है, यहाँ से रेट ले लिया इसका, तो ये देखिए, देखिए 200 आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई, ठीक है, एवरेज और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब लिया वही इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, टोटल अवेलेबल वही 63 माइनस 11,950, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आ गई, है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट, और फिर सेल वही आपकी जो है, सेल जो जितनी अभी की हमने लिए, सेल की तो फिगर वही होगी ना, नाइन हंड्रेड इंटू सिक्सटी फाइव ये हो गई सेल, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसमें से माइनस कर दिया, वही रिपीट हो रहा है सब कुछ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 52, तो ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर देखे, यहाँ क्या था ग्रॉस प्रॉफिट 71 और यहाँ था 4990, देखो ये देखो मिड में आई इसकी वैल्यू, है, इससे ज्यादा और इससे कम, हमेशा अगर प्राइसिंग जो है वो ट्रेंड है इंक्रीजिंग का, तो आपका जो है देखोगे एवरेज मेथड में ग्रॉस प्रॉफिट मिड वैल्यू आएगी, ठीक है, इन बिटवीन दीज टू, इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी मिड आएगी इन बिटवीन दीज टू, ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अब इसकी इन्वेंट्री की इसमें भी आप जरा, ठीक है, जनरल एक किसी एक में हम जनरल एंट्री भी पास कर देते हैं आपकी, ठीक है, फर्स्ट वाले में मेथड में आप पास करो जनरल एंट्री और सेल की और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, ठीक है, क्या होगी एंट्री भाई, मिस्टर मोहम्मद कमर नदीम, पिछले सवाल में बताया मिस्टर मिस्टर कमर नदीम, सुन रहे हैं आवाज मेरी, मिस्टर मोहम्मद कमर नदीम,
मोहम्मद नोमान, मिस्टर मोहम्मद नोमान, यस सर, आप बताइए। ये मैं कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री वैल्यू वो एंट्री करनी है, स्लिप किसकी, हम फीफो में एंट्री कर रहे हैं, सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड करनी है एट मंथ एंड सिर्फ, किसकी, फर्स्ट मेथड में, फीफो में। तो क्या एंट्री होगी, फीफो मेथड, सेल और सेल ऑन क्रेडिट है, क्या एंट्री हुई सर, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कितने अमाउंट से, कितने अमाउंट से, सामने 58,500 सर, 8,000, कितना, 58,500 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, अभी हम फीफो मेथड से कर रहे हैं, वो तो सेल तो वही आएगी सब में, 50 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 58,500, ठीक है, क्रेडिट आपका आ गया सेल, ठीक है, 58,500, ठीक है। और सेकंड एंट्री हुई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट बाई हाउ मच अमाउंट, 51,360। तो ये एंट्री भी आनी चाहिए आपको, और ये मेथड जो है ये बड़ा सिंपल है, पीरियोडिक मेथड में आपने इस तरीके से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन खासकर और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, हमेशा जो पीरियोडिक मेथड होता है ना, इन्वेंट्री हम फाउंड करते हैं बाय द स्टॉक टेकिंग, क्योंकि वो तो इन्वेंट्री इसलिए है कि हम सेल, हमारे पास हम जो चीज परचेज कर रहे हैं से परचेज में डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पास जब इन्वेंट्री मिलेगी वो स्टॉक टेकिंग से मिलेगी, जब इन्वेंट्री हमें मिल जाएगी तो हमारे पास टोटल परचेजेस इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक तो अवेलेबल है ही, उसमें से जब स्टॉक को माइनस करोगे तो क्लोजिंग वो आ जाएगा आपके पास यूनिट सोल्ड, ठीक है, यूनिट सोल्ड आ जाएगी। अब यूनिट सोल्ड को जब हम उसमें से टोटल अवेलेबल में से उसको माइनस कर दिया, ठीक है, तो टोटल अवेलेबल में से उसको हम माइनस कर देंगे, जस्ट ए मिनट, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, समझे, तो हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये आपको दोनों मेथड में समझा दिए, और इसका मैं क्लास के बाद कोशिश करूंगा हैंड आउट भी भेज दूं, ठीक है। और बताओ कोई इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए, पीरियोडिक मेथड में सर कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, नमाज के लिए ब्रेक दे दें 10 मिनट का, नमाज के लिए, ठीक है, ब्रेक दे देते हैं, और नमाज के बाद फिर ये हम थोड़ा सा आपसे और डिस्कस करेंगे, ठीक है, हो सकता है फिर ये हम फाइनेंशियल एसेट्स स्टार्ट ले लें नमाज के बाद, ठीक है। नमाज का ब्रेक है कितने मिनट का सर, 10 मिनट का दें, 5:30 हो रहे हैं सर, 5:40 तक, बस 5:40 पे रीस्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है, 5:40 पे।
चले भाई स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज सुन रहे हैं मेरी? यस सर। ठीक है, हो गए 10 मिनट। तो देखिए, अब हमने आज आपका इन्वेंटरी का चैप्टर हमने एंड कर लिया बिल्कुल। ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, दोनों मेथड से, पीरियोडिक से भी और परपीचुअल से भी। ठीक है, इसके दो दो सवाल हमने आपको कराए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने आपको जैसे बताया कि इन्वेंटरी की डेफिनेशन दिया। ठीक है, और फिर कंपनी परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कंपनी मेंटेन कर सकती है, राइट। लेकिन क्या है कि जो कंपनी स्मॉल कंपनी है ना, याद रखो, है जो अफोर्ड नहीं कर सकती ना, उसको जरूरत है, तो वो तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम मेंटेन करेगी। ठीक है, लेकिन एक बड़ा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, फर्ज करो, ठीक है, तो वो परपीचुअल उनको, क्योंकि परपीचुअल की इसलिए जरूरत होती है कि डे टू डे कंपनी को, कंपनी की मैनेजमेंट को, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को, दे नीड हाउ मच स्टॉक इज अवेलेबल एट द मोमेंट। ठीक है, इसलिए उन्हें मेंटेन करना है कि इन्वेंट्री जब सेल हो तो फौरन स्टॉक से माइनस हो जाए, उसको तो परपीचुअल की नहीं जरूरत है ना, वो तो बस उसके जहन में है क्या चीज है क्या नहीं है। लेकिन मंथ एंड पे जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो होगी लाजमी है, वरना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकले। वो इन्वेंट्री को डिटरमिन कैसे करेंगे? बाय द फिजिकल स्टॉक टेकिंग, अदर वे, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग द इन्वेंट्री आइटम वाइज, तो हमें पता ही नहीं इन्वेंट्री ए आइटम कितना, बी कितना, सी कितना, डी कितना, ई कितना। हम वी हैव टू काउंट ईच एंड एवरी आइटम, वी हैव टू काउंट, देन वी विल अप्लाई, देन इट्स वैल्यू इस पे अप्लाई करेंगे, एंड ऑन द गिवन इश्यूएंस जो मेथड है फीफो लीफो एवरेज, उसके बेसिस पे कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है, इसलिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर जब परपीचुअल सिस्टम होगा तो परपीचुअल सिस्टम में ये एक लेजर मेंटेन होगा हर इन्वेंट्री का, हर आइटम का ये लेजर मेंटेन होगा कि डेट रिसीट्स यानी परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब भी सेल होगी तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी उस पर्टिकुलर आइटम में। ठीक है, ये इसी तरह ये एक कंट्रोल अकाउंट भी होगा, उसमें जाके डेबिट हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये इस वक्त इससे गर्ज है, देखो ये इसमें काम कर रहा होगा उसके ऊपर, वो यहाँ पर एंट्री कर रहा होगा, फौरन सेल की रिकॉर्ड हुई और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड हुई और क्लोजिंग स्टॉक भी अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, और ये अब रेट उस पर वही अप्लाई हो रहा है, फीफो लिफो एवरेज, फीफो लिफो एवरेज जो मेथड होगा वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कंपनी जो है ज्यादातर, ये भी बता दूंगा, जो है वो फीफो या एवरेज मेथड यूज कर रही होती है कंपनी, लीफो मेथड जो है प्रैक्टिकली कम यूज होता है, क्योंकि लीफो मेथड में क्या डिसएडवांटेज है, देखो ये भी कुछ समझो, लीफो मेथड में लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो, जब हम जो सेल क्या कर रहे हैं, जो सबसे बाद में खरीदा वो पहले सेल कर रहे हैं, अब लॉजिक नहीं बनता ना, इसका मतलब पुराना स्टॉक आपने रखा हुआ है, इसका मतलब बाज स्टॉक तो सेंसिटिव होते हैं, उनकी लाइफ होती है, वो तो एक्सपायरी पे चला जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो IS-2 है वो भी रिकमेंड कर रहा है कि आप या तो फीफो इस्तेमाल करो, यूज करो, या एवरेज मेथड। सबसे बेहतर सिस्टम तो फीफो है, जो चीज पहले परचेज की तो अजम्पशन है कि पहले उसको, और इसको जब जब याद रखो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टोर में अगर जैसे फीफो इस्तेमाल हो रहा है, सिस्टम हो रहा है फीफो, तो जब परचेज होगी ना, जैसे आइटम की परचेज होगी, सिमिलर आइटम की परचेज होगी, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, किस तरह रखेंगे, फीफो मेथड में जब परचेज होगी तो हमने उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो नई परचेज हो रही होती है, देखो नई जो परचेज हो रही होगी उसको हम
पीछे रखेंगे ताकि फ्रंट पे पुराना माल आता रहे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, जब परचेज होगी तो नया माल हम बैग पे रखेंगे। मिसाल तो एक कैबिनेट है, कैबिनेट में जो नया माल आएगा ना उसको हम पुराना जो पहले से रखा हो उसके पीछे रखेंगे ताकि जब ले रहे हो तो आसानी से हमने पुराना माल आगे होगा तो उसको उससे ले। इसी तरह क्या नाम है स्टोर में रखा जाता है, उसको हैंडल तभी हो सकेगा वरना हैंडल नहीं हो सकेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, समझ गए। तो अब ये इन्वेंट्री पे हमने आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये फीफो मेथड, इसके मेथड से परपीचल से भी समझा दिया, और अगर पीरियोडिक मेथड होगा तो ये एक इस तरीके से समरी बनती है कि ओपनिंग स्टॉक जरूरी है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, अब जो जो परचेज हो रही है उस मंथ की या क्वार्टर की या ईयर की उसको हम अकॉर्डिंगली रेट रिकॉर्ड करते रहेंगे, रिकॉर्ड करते जैसे ही मंथ एंड होगा राइट, अब हमें या ईयर एंड हुआ तो वी नीड एंडिंग इन्वेंट्री, हमें टोटल अवेलेबल हमारे पास है मौजूद तो एंडिंग इन्वेंट्री हमने स्टॉक टेकिंग करी है, इससे इस समरी से क्या होगा हमारे पास टोटल अवेलेबल आ जाएगा, क्वांटिटी भी रेट, हर आइटम का रेट भी आ रहा होगा, क्वांटिटी भी आ रही होगी डेट वाइज, और वैल्यू टोटल अमाउंट डेट वाइज चल रहा होगा, और अल्टीमेटली फाइनली टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन टर्म्स ऑफ पूरी वैल्यू भी आ जाएगी साल के एंड में, महीने के एंड में, क्वार्टर के एंड में। अब हम क्या करेंगे, फौरन स्टॉक टेकिंग करेंगे, मंथ एंड में स्टॉक टेकिंग की, और स्टॉक टेकिंग को वैल्यू दे दिया हमने, किस तरह स्टॉक टेकिंग को वैल्यू दिया, फीफो लीफो एवरेज से, क्योंकि इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली हमने फिर फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब फीफो होगा तो आइटम जो बचा होगा वो नया माल बचा होगा, लीफो है तो फिर पुराना माल बचा होगा, एवरेज है तो फिर वेटेड एवरेज रेट लेंगे, अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू करके अवेलेबल में से माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये बताओ कि अब आपको ये इन्वेंट्री का इन्वेंट्री क्लियर हो गया सबको भाई, बिल्कुल यस सर, ठीक है। तो अब हमने स्टार्ट करना है, अच्छा कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट ने भी फैसला किया है कि कल हम क्लास ले तो सकते थे, ऑनलाइन था, लेकिन ये कि छुट्टी का दिन है इस वजह से उसको कल के दिन क्लास हमारी ऑफ रहेगी, ठीक है। अब क्लास हमारी नेक्स्ट यानी कि मंडे को ही होगी, कल की क्लास को ऑफ कर दिया 23 मार्च की वजह से, ठीक है जी, समझ गए, कल हमारी क्लास नहीं है 23 मार्च की वजह से, राइट। तो कल हमारी क्लास नहीं होगी, तो अब हम नया चैप्टर अब शुरू करेंगे, कौन सा, फाइनेंशियल एसेट्स, जिसके अंदर बैंक रिकंसिलेशन आपको समझाया जाएगा, बैंक रिकंसिलेशन, ठीक है। मैं आज इसको, टाइम अभी कम है देखता हूँ, लेकिन आपने देखो फाइनेंशियल एसेट्स आपको हम समझाएंगे, ये भी आपके कोर्स में, और जब ये सब चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स में, देखो आपको क्या क्या चीज़ बताएंगे, ये सिर्फ आज बता देते हैं एक समरी, लेकिन डिटेल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और उसके बाद एरर इन अकाउंटिंग बताया जाएगा आपको, एरर इन अकाउंटिंग, इससे भी ज़रूर एक सवाल होता है, ठीक है। एरर इन अकाउंटिंग हम इसलिए इन सब के बाद बताएंगे क्योंकि जब सारा नॉलेज आपको हो जाएगा फिर आप एरर इन अकाउंटिंग समझोगे, ठीक है। तो ये देखिए एक चैप्टर मैं आपको सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें सिर्फ ये बता दें कि टाइम थोड़ा सा है इसको यूज कर लेते हैं, देखें चैप्टर शेयर हो रहा है जी सर, देखो इसमें जो है ना ये मैं ये शुरू से ही पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसमें हम कि जो आपने ये सिर्फ इतना समझो अभी कि फाइनेंशियल, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, फाइनेंशियल एसेट्स कंट्रोल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल ऑफ कैश सबसे इंपॉर्टेंट, और अकाउंट्स रिसीवेबल को कंट्रोल करो,
राइट। तो इसमें फाइनेंशियल एसेट्स, सिर्फ अभी देखो अभी आज समझो इतना कि एक हमने पढ़ा करंट एसेट्स, एक पढ़ा फिक्स एसेट्स, अब ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट्स भी पढ़ लिया, करंट एसेट्स भी पढ़ लिया, फाइनेंशियल एसेट्स क्या? देखो फाइनेंशियल मोस्ट लिक्विड रिसोर्सेज दैट गेट इट्स वैल्यू फ्रॉम ए कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम। एग्जाम्पल्स ऑफ देखो कैश, देखो कैश, देखो ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम है, जो हमारे पास करेंसी नोट होते हैं, एक आपका कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम है ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको ऑथोराइज कर रहा है कि ये कागज का टुकड़ा जो है इसकी वैल्यू है, ठीक है। देखो कैश, स्टॉक्स है, जो जैसे आपने स्टॉक्स खरीदे किसी कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड्स खरीदे, बैंक डिपॉजिट्स बैंक में जमा करा है वो भी फाइनेंशियल एसेट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल लाइक आर एग्जांपल। देखो ये सारे एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स हैं, देखो कैश, स्टॉक्स है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम है, बॉन्ड्स कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम है, बैंक डिपॉजिट्स ये भी कैश समझो जस्ट लाइक कैश बैंक में आपने जो जमा किया, और अकाउंट्स रिसीवेबल ये भी एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम है कि आपने सेल की ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब ये भी एनी टाइम आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और इसीलिए सब में कैश या तो एनी टाइम देखो कैश या तो कैश है, बॉन्ड्स बैंक्स अकाउंट रिसीवेबल, तो इन सब को कंट्रोल करने का इसमें बताएंगे फाइनेंशियल एसेट्स के, कि कैश को कैसे कंट्रोल करें है? और स्टॉक्स बॉन्ड्स, ठीक है, ये स्टॉक्स आपका जो है, ये जो स्टॉक्स है ये वही है आपके शेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स स्टॉक्स, इन्वेंट्री की बात नहीं है, स्टॉक्स मतलब ये आपके शेयर्स, राइट। और बॉन्ड्स बैंक डिपॉजिट है, ये स्टॉक क्या है? शेयर्स, राइट। एंड अकाउंट्स रिसीवेबल एंड आर आर लाइक एग्जांपल्स। अब इन सब को हमने आपने आपको क्लास में बताना है कि कैश को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर फिर ये खासकर ये आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर कैश को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरी है कि जब हम पैसा जो है ना बैंक में रखते हैं ना, बैंक के थ्रू कंपनी पे कर रही होती अपने कस्टमर्स को भी, एम्प्लॉइज को भी, ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर मंथ में कंपनी बनाती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो कंपनी नॉर्मली कैश कंपनी का अकाउंट जो बता रहा है कि बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, और बैंक स्टेटमेंट जो देता है उसमें डिफरेंस होता है, बस ज्यादा डिफरेंस भी हो सकता है, तो कंपनी उसको रिकंसाइल करती है कि ये डिफरेंस क्यों है, उसको कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें पैसा जहां पर मिलियन बिलियन में पैसा जमा कराया हुआ तो वहां पर डिफरेंस आएगा ना, तो वो डिफरेंस की वजह देखते हैं, वो आपको बैंक में जो डिफरेंस पैसे में आ रहा होता है वो आपको वजह बताएंगे कि ये वजह की वजह से डिफरेंस आता है, उस डिफरेंसेस को हम रिकंसाइल करेंगे तो बैंक रिकंसिलेशन, ताकि बैंक का स्टेट बैलेंस और कंपनी का बैलेंस, जैसे आपने यूबीएल में पैसा जमा कराया हुआ तो यूबीएल का बैलेंस जब उसने बैंक स्टेटमेंट दिया तो कुछ और बैलेंस आ रहा, हमारा कैश बुक जो है बता रहा है यूबीएल में इतना पैसा, तो उसको रिकंसाइल करना, कंपनी रिकंसाइल करेगी उसको कि भाई ये रिकंसाइल करो इसको कि कितना, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनती है इसके अंदर आपके इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को फिर एडवाइस करूंगा कि ये आप लोग टाइम पे आओ, क्लास फुल अटेंड करो, ठीक है। हमने देखो ये मैं आपको बता दूं कि हमने अकाउंटिंग साइकिल सब अच्छी तरह पढ़ ली है, ठीक है। उसके अंदर आपके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एज रिस्पेक्ट टू द सर्विस कंपनी और विद रिस्पेक्ट टू द मर्चेंडाइजिंग कंपनी पढ़ लिया बिल्कुल, ठीक है। और फिर जनरल एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, राइट, ये सब हमने पढ़ लिया इंशाल्लाह। तो अब आपको इन्वेंट्री का भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब ये चैप्टर हम फाइनेंशियल एसेट्स ट्यूजडे की क्लास में इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, फिर
ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह कल क्लास नहीं है, अल्लाह हाफिज।